हाँ जी, तो रेवेन्यू हमने लास्ट क्लास के अंदर तीनों के तीनों मार्केट रेवेन्यू के कर लिए थे, और इससे ठीक पहले वाली क्लास में हमने ब्रेकअप के अंदर कोशिश की थी और वो हमारा ही ब्रेकअप हो गया था है। तो आज हम सीधा इवेल्यूशन पे आ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में कुछ अलग से बताने के लिए वैसे भी कुछ था नहीं, और ये चैप्टर में से ज़्यादा तो क्वेश्चन आता भी नहीं है, आता भी है तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन आओ देखें, चार नंबर में हमारे इवेल्यूशन के अंदर चार नंबर पे क्वेश्चन है, डिफाइन एवरेज रेवेन्यू एंड शो दैट एवरेज रेवेन्यू एंड द प्राइस कि दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं अगर क्वांटिटी से तो बनता क्या है, क्या टी आर, और टी आर को अगर हम डिवाइड कर दें इस क्यू से तो बनता है ए आर। इट मीन्स ए आर जो है वो किसके बराबर हुआ, प्राइस के बराबर हुआ। तो हमें मालूम चला क्या, पहली बात तो व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये सिंपल तरीका हो गया बोलने का। तो टी आर का फॉर्मूला क्या हुआ, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, और साथ साथ ए आर का फॉर्मूला क्या हुआ, टी आर डिवाइडेड बाय क्या, अभी क्या बोल रहे हैं, ए आर का फॉर्मूला क्या हुआ, पी नहीं क्यू, पी क्यू क्यू सही करो उसे, तो आर में क्यू लिखा है, पी लिखा है, देखो क्यू कर दो, टी आर डिवाइड बाय क्या, क्यू। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ए आर का फॉर्मूला जो अभी निकाला गया, ध्यान देना, ए आर याद देखो, इस वाले को लेके आ रहा हूं मैं, इसको ए आर का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, टी आर डिवाइड बाई क्यू। आ जाओ जरा देखते हैं कि टी आर का फॉर्मूला पता हो, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी से क्वांटिटी गई, तो ए आर फाइनली किसके बराबर हो गया, समझ गए। तो इस बदतमीजी के कितने नंबर मिल रहे हैं, चार नंबर। हाँ जी, तो ये कैसे मिलेंगे, तो हमें क्या लिखने के मिलेंगे, पहले तो हम बताएंगे कि रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू होता क्या है। ठीक है, टी आर है ना, पहले तो यहां वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं। देखो यहां देखो, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू बराबर क्या, टी आर, ये ओके है ना। ठीक है, फिर उसने मांगा क्या, ए आर, तो यहां देखो आगे देखो, अगर हम इसी क्यू को इससे डिवाइड कर दें, बट टी आर डिवाइड बाय क्यू कर दें, तो हमें क्या मिलता है, ए आर, और इसका मतलब किसके बराबर हो गया ए आर, लेकिन इसको हम ऐसा लिखते नहीं है आर, इसको हम लिखते नहीं है ऐसे। आंसर को कैसे बताएंगे, हम बताएंगे, हाँ भाई आंसर कैसे बताएंगे, तो हमने बताया कि ए आर का फॉर्मूला होता है टी आर डिवाइडेड बाय क्यू, फिर हम इसी के आगे बताएंगे कि ये होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, नीचे क्या हुआ है, ओके सर काट दिया, फिर सर पी सर, तो सर क्या हुआ, सर ए आर जो है किसके बराबर चला गया, ये पी के, क्लियर है ना, ये लिखना है हमें आंसर में। तो जरा आ जाओ, जरा एक बार वापस पीछे चलें, और यहां पर जो गंदगी मैंने फैलाई हुई है इसको मैं तो यहां से हटा देता हूं, तुम अपने यहां पर गंदगी फैला दो। हाँ भाई फटाफट इसके आंसर में लिखो, पहले तो एवरेज रेवेन्यू की डेफिनेशन दे दो जो तुम्हें समझ में आ रही हो देने के लिए। क्या क्या क्या, पर यूनिट रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट का मतलब वही है, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दो।
हो गया, क्या लिखा बताओ? सर मैंने लिखा है AR is equal to per unit revenue is known as average revenue. फिर मैंने कहा कि 0.1 है, TR is equal to P into Q, इसे 1 कर दिया. फिर AR is equal to PR upon Q, इसे 2 कर दिया. फिर मैंने लिखा AR is equal to P into Q upon Q, फिर ब्रैकेट में लिखा put 1 into 2. फिर नीचे है AR is equal to P. हाँ भाई, सभ्यता पे लिखा है पूरा प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए करना इसको. वैसे आपने कुछ है तभी यार, ढंग से करो, या कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? क्या लिखा बेटा, बोलो? अभी करें, आगे बढ़े. अब यहां देखना है एरर में क्या दिया हुआ है. सम स्टूडेंट्स हैव एक्सप्लेन्ड द रिलेशन बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड द प्राइस यूजिंग डायग्राम व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. जब तक वैसे बोर्ड के हिसाब से जब तक क्वेश्चन में डायग्राम नहीं मांगा तब तक हमें डायग्राम नहीं देना चाहिए. अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव डिफाइंड एवरेज प्राइस इंस्टेड ऑफ एवरेज रेवेन्यू, है ना? वो तो बता रहे, कई बच्चे होते हैं जो कुछ वैसे भी रेवेन्यू और प्रोडक्ट को लेके, टीपी और टीआर को लेके कई बार कंफ्यूजन हो जाती है. आप क्लियर है पहला? वैसे देखा जाए तो चार नंबर फ्री के हैं ये, कुछ ज्यादा लिखने के लिए भी नहीं है, खाली फॉर्मूले लिख के. हाँ भाई, फिर डिफाइन एक बार फिर से रेवेन्यू क्या है एंड स्टेट द रिलेशन बिटवीन एम आर और ए आर. ध्यान देना, जैसे वैसे तुम देख पा रहे होगे कहीं उसने मांगा है क्या डायग्राम, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बना देना चाहिए, क्योंकि बनाने के बाद ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेन कर पाओगे और टीचर भी समझ पाएगा कि हाँ इसको आता है. तो सबसे पहले तो जब बात करते हैं एआर और एमआर की, पहली बात तो मार्केट रेवेन्यू दो तरह का होता है ना, एक तो परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट. तो प्रॉब्लम एक आती है सबसे बड़ी, कौन सी, की किस की बात हम कर रहे हैं. हमें एमआर और एआर की बात करनी है, क्योंकि अगर ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में गया, हाँ भाई, तो ए आर बराबर एम आर. लेकिन अगर ये इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में गया तो ए आर इज ग्रेटर देन एम आर. तुम्हें अगर याद हो तो हमने कुछ ऐसा किया था, प्राइस बराबर ए आर बराबर एम आर, जबकि यहां पर हमने कुछ ऐसा किया था, ये रहा ए आर और ये रहा. अब एक ही आदमी है जान डालता है इस बैच में, बदतमीज. हाँ, तो इस तरह से हमने क्या पाया, हमें मालूम चला कि ए आर और एम आर दो अलग अलग मार्केट में होते हैं. इसका मतलब अब कंफ्यूजन क्या है, हाँ भाई, जब इसे लिखेंगे तो कहां पर लिखें? तो आ जाओ देखते हैं. पहली बात तो रेवेन्यू क्या है, अब टोटल रेवेन्यू मांग रहा है, रेवेन्यू. तो रेवेन्यू इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट. क्या चीज है मेन, क्या अंडरलाइन करो उसको, मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट. इसका मतलब अगेन, क्या प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी है? हाँ. तो इसी टी आर को ही हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू. मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस्ड और रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट. प्रोड्यूस्ड, जो भी सेल किया जाएगा उसको ही बोलते हैं, यानी सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है, रेवेन्यू, है ना? तो जहां पर रेवेन्यू दिया हुआ है, जैसे हमने लिया टीआर को बोला, इसी को क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं. सेल, सेल बोले तो रेवेन्यू, बोले तो टीआर. ठीक है, रिलेशन बिटवीन एमआर एंड एआर. तो अब ध्यान देना, अब यहां पर रिलेशन जो है
कई बुक्स में ये दिया है, कई बुक्स में नहीं दिया है, और ये एनसीईआरटी की तरफ से ये है कि ये आंसर में होना चाहिए। कई बुक्स में ये होता है, कई बुक्स में ये नहीं होता है। आओ समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो जैसा तुम देख रहे होगे कि ऐसा हम पढ़कर नहीं आए थे क्या, इफ एम आर इज ग्रेटर देन ए आर, ए आर बढ़ रहा था, व्हेन एम आर बराबर ए आर कॉन्स्टेंट था, व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर गिर रहा था। हाँ भाई, क्या अभी तक तुमने ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं है। ध्यान देना, अब इंटरेस्टिंग बता रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी कह रही है। कौन कह रहा है? ये एनसीईआरटी कह रही है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, मतलब बोर्ड के हिसाब से, जबकि ये हर बुक में ये दिया ही नहीं है। तो ये क्या है जो जिसका आंसर यहां दिया गया है, तो समझ लो एक बार। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे ही बनता है जो बनाया, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में एक और बनता है कई बार ऐसा। कैसा? हाँ भाई, मैं फिर से ये लेकर आया, नाम दिया इसको मैंने एम आर। हाँ रुको रुको, एम आर, और सॉरी एक मिनट एक मिनट, पहले उसको लेके आ रहे हैं। ये क्या था? ये एम पी हुआ करता था और ये ऐसे आता था क्या, ए पी होता था, ये होता था ना। जब देखते हैं, गंदी बात नहीं, रुको थोड़ी, रुको रुको, आ रहे आ रहे। ये है पहली स्टेज, देखो ये है पहली स्टेज, देख रहे हैं पहला पॉइंट क्या था बेटा। एम आर ज्यादा था जब ए आर बढ़ रहा था, तो देख रहे हैं जरा, जब ये बढ़ रहा था यहां तक, तब तक ये इससे ज्यादा था, मतलब इस स्टेज तक हम बोल रहे हैं। इसके हिसाब से क्या बोल रहा हूं मैं, एम आर इज ग्रेटर देन। अब लिखा तो एपी और एमपी है, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन ये तो कर रहे हैं। फिर नीचे आओ, फिर क्या है, एम आर बराबर ए आर होता है जब ए आर क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट पे ए आर क्या था, कॉन्स्टेंट। मैंने तो पहले समझाया हुआ है, जब भी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो ए बी लिखना होता है, जरूरी है, तभी हम एक्सप्लेन ढंग से कर पाएंगे। ये पॉइंट कौन सा है, वेयर एम आर बराबर क्या होता है, ए आर, राइट। हाँ जी, इसके बाद तीसरा पॉइंट, एम आर इज लेस देन ए आर जब ए आर गिरता है। तो जब ए आर गिर रहा होता है तो ये क्या हो जाता है, ये वाला गैप अगेन क्या होता है, ए आर, सॉरी ए आर ज्यादा हो जाता है किससे। तो अब मैंने क्या किया, दोनों जगह से पी हटा के आर आर कर दिया। अभी अब ये बताओ कि किस किस ने अपनी बुक में ये पढ़ा हुआ है, अभी किस किस ने ये बुक में पढ़ा हुआ है कि ऐसा भी एम आर ए आर बनता है तुम्हारी बुक में है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया पहले, ए आर एम आर में मैंने नहीं पढ़ाया, ये वो तो टीपी एपी में पढ़ाया। हाँ भाई, किसी की बुक में है ये, किसी बुक में है ये या नहीं है? तो ध्यान देना, वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि ये एग्जाम में आता नहीं है ज्यादातर, यही है जो तुमने पढ़ा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर बुक्स में, हाँ भाई, ज्यादातर बुक्स में ना सिर्फ इतना पार्ट शो किया जाता है, इतना पार्ट, ये शो किया जाता है, यानी पीछे वाला पार्ट छोड़ दिया जाता है। कौन सा पार्ट छोड़ने की बात कर रहा हूं मैं, है ना, यानी कि जहां पर एम आर इज ग्रेटर देन ए आर है, इस पार्ट को इग्नोर करके सिर्फ उतना पार्ट दिखाया जाता है जो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो यहां से ऐसे कुछ ए आर होगा और यहां से कुछ ऐसे क्या होगा, एम आर। क्लियर है? मतलब टीपी का सेम बिहेवियर किसका होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, टीपी का सेम बिहेवियर तो होना ही है, टोटल प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही क्या आएगा, रेवेन्यू। क्लियर है? हाँ जी, तुम ये लिखोगे तब भी सही है, और अगर तुम सिंपली इसका इतना पार्ट, यानी कौन सा वाला पार्ट, ये वाला ए आर इज ग्रेटर देन एम आर वाला लिखोगे कि दोनों फॉल हो रहे होते हैं तो ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है। हाँ जी, क्लियर है? तो आ जाओ जरा, हम इसको थोड़ा ढंग से कर ले। हाँ, पूरा बनाओगे, तुम्हें पूरा बनाना चाहिए, ठीक है ना, पूरा बनाना चाहिए। मैं एक और चीज कह रहा हूं, देखो ऐसा है कि
बुक्स अलग अलग बुक्स बुक्स लिखने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि सारे टीचर इंडिया में टीचर क्या करते हैं, गूगल में सर्च मारते हैं, वहां से कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं, ऐसे ज्ञान बांटा जाता है इंडिया में। वो इंडिया में बनी नहीं है ना इकोनॉमिक्स, तो हम भी कहां से लिखेंगे, कहीं से कॉपी तो मारनी है। लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी, अब इसका एक इतना बड़ा प्रूफ दूंगा तुम्हें, अभी आगे जाके एक चैप्टर आएगा और तुम सुन के शॉक्ड रह जाओगे कि उस चैप्टर के अंदर किसी बुक में नहीं दिया उस क्वेश्चन का आंसर उस तरह से जो यहां पर दिया गया, ठीक है। और उससे बड़ा शौक कब लगेगा, जब ये मालूम चलेगा भैया बोर्ड में उस बच्चे ने बोर्ड में वही लिखा जो उस इवैल्यूएशन में दिया हुआ है और पूरे नंबर मिले उसे। मतलब मैं खुद शौक था, मैंने कभी नहीं पढ़ाया था वो, मैंने खुद नहीं पढ़ाया था कभी वाला पॉइंट। हम क्या करते थे नॉर्मली कि जो बुक में सब लोग सब टीचर ही कर रहे होते हैं, बुक ही पढ़ा रहे होते हैं, हम सबका मानना है बाइबल तो बुक ही हमारे लिए, हमें कौन सा आता है, जो बुक में दिया वो पढ़ा देंगे। तो जब पहली बार मैंने वो पढ़ा पॉइंट, तो मैं पहले तो खुश हो गया, अब ये क्या है, लगता है कुछ गलती होगी बुक से। फिर हम आगे बढ़े, इवैल्यूएशन देखा, फिर और आगे गए, फिर रिसर्च की, तो मालूम चला कि भैया बोर्ड में एक मतलब टीचरों को ये फॉर्मूला दिया गया है कि अगर बच्चे ने लिखा है तो ये, और बुक में नहीं दिया। हाँ भाई बुक में नहीं दिया वो मेथड। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार पूरे नेशनल लेवल पे कितने बच्चे 100-100 लेके आते हैं, हर जगह टीचर ये बुक पढ़ा रहे होते हैं। फिर जब मैं जयपुर गया तो वहां पर मेरा डिस्कशन हुआ इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि टीचर्स जयपुर में, तो बताया होगा मैंने 25-30 बच्चे एक ही जगह 100 नंबर लेकर आए, तो मैंने उनसे पूछा सर आप इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो इस क्वेश्चन के लिए, तो उन्होंने बोला सभी बुक्स पे ये दिया हुआ है लेकिन एनसीईआरटी कहती है इसको ये आंसर चाहिए। तो उसने बोला हम तो अपने बच्चे को एनसीईआरटी वाला आंसर करवाते हैं। तो मैं कह रहा हूं हम ज्ञानी नहीं है, हम तो बेवकूफ है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आंसर करने के लिए है नहीं, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या आंसर करना है, कुछ भी नहीं है। बोथ आर फॉलिंग, हाँ भाई दोनों जब गिर रहे थे तब AR इज ग्रेटर देन MR, जब MR जीरो था तब AR फॉलिंग, और जब नेगेटिव हो गया तब भी AR फॉलिंग, बट AR नेवर बी जीरो। क्यों, कब होगा जीरो, जब कंपनी क्या होगी, बंद यानी शट डाउन होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, तो अब दो ऑप्शन आ गए, ठीक है, कौन कौन से, पहला तो ये वाला तरीका, दूसरा ये वाला तरीका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह करेंगे, इस पूरे पेपर को तुम दो पार्ट में बांट दो, हाँ भाई एक सीधा सी लाइन खींच दो, एक ऐसे बीच में लाइन खींच दो, और एक तरफ, अब देखो एक और चीज, एक मिनट रुक जाओ, बाद में करेंगे, पहले इवैल्यूएशन पूरा कर लेते हैं। पहले बात समझ में आ गई, ये कब होगा, ये जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा या इम्परफेक्ट होगा, इम्परफेक्ट, कोई परफेक्ट में तो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो आ जाओ नीचे देखें जरा, फिर कह रहा है स्टूडेंट्स हैव रोट इनकरेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू, सम स्टूडेंट मेंशन्ड द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू, कई लोग प्रॉफिट को लिख देते हैं, इसका भी इसके ठीक आगे एक चीज लिख लो, क्या प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट बराबर, नहीं सुनो हाँ, यानी TR माइनस TC, इसे कहते हैं क्या प्रॉफिट, तो क्या बोल रहा है, कई लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देते हैं, लिखना TR का है, देखना जरा TR का फॉर्मूला बताओ ना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस क्या TC, TC याद है, TC क्या दो तरह की थी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के बनती है। तो मैं इसको थोड़ा और अगर लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अभी क्लियर है ये, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट सम स्टूडेंट्स हैव न्यूमेरिकल एग्जांपल गिवन, गेव न्यूमेरिकल एग्जांपल टू एक्सप्लेन रेवेन्यू TR AR and MR, हाँ भाई तो कितने नंबर का क्वेश्चन है, पहले हम ये देख लें कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो कह रहे हैं कई बच्चे इसको समझाने के लिए ये भी कर देते हैं, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग एवरेज रेवेन्यू एंड AR और MR विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, तो हम भी बोल रहे हैं रिक्वायर्ड तो नहीं लेकिन तब भी बना दो, है ना, नॉट रिक्वायर्ड तभी बना दो, सम स्टूडेंट्स डिड नॉट। अब पता है अगर तुम ये पढ़ रहे हो ना, ये सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हो कि लिखा हुआ है कि नहीं रिक्वायर्ड है, ये सब बोर्ड मतलब ये सब चीज़ें बोर्ड खुद लिख के देता है कि ये सब चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए। अगर मान के चलो तुम्हारे नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, सिंपल सा पॉइंट है, नहीं आए नंबर, मार्कशीट निकल मतलब अपनी पेपर मंगवाओ, घर पर आएगा, देखो तुमने जो कहा है वही लिखा है इसमें, तब भी नंबर नहीं मिले, बोलो। अभी तो पता होगा इस बार क्या हुआ है बोर्ड में, पता है कई बच्चों के नंबर जो कम थे
उन्होंने केस मतलब उन्होंने मतलब उसके लिए रिक्वेस्ट डाली, मालूम चला नंबर 95 थे उसके और उसको दिए कितने थे 40-45 के आसपास। टीचर्स को हटा दिया गया, टीचर्स पे एक्शन लिया गया उसके चक्कर में, बट टीचर्स का अरे कुछ नहीं पता, टीचर्स किस समय किस मूड पे हो, क्या दिमाग खराब हो चल रहा हो, कुछ नहीं पता ना। तो ऐसे में मतलब बोर्ड में ये कमियां गलतियां होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जरूरी क्या है, अगर हम बोर्ड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो नंबर जरूर आएंगे। बोर्ड कह रहा है इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, मतलब ही नहीं नंबर कट जाए। तो अगर बोर्ड कह रहा है कि ये पॉइंट चाहिए, तुम्हें लिखा टीचर ने वहां पर जीरो कर दिया, भाई पक्का मंगवाओ, 500 रुपए की कॉपी आती है, मंगवाओ चेक करो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कोई दिक्कत नहीं, केस की होते नहीं है, वैसे ही मान जाते हैं। हाँ जी, तो सम स्टूडेंट डिड नॉट क्लियरली प्रोवाइड द रिलेशन रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पहली बात तो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया इस बारे में कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मांग रहा है या फिर इम्परफेक्ट, लेकिन एक चीज क्लियर है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है बताने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ भाई कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, इम्परफेक्ट। लेकिन मैं एक और चीज बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई कंफ्यूजन हो तो कोई बात नहीं, तुम दोनों बना दो ना। हाँ भाई तुम दोनों बना दो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी टीचर को लेना होगा वो अपने तरीके से इसमें से यूज कर ले, डिफाइन तो किया नहीं है। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ या तो दोनों बनाओ, है ना, दोनों बनाओ ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिलहाल हम किसकी तरफ चल रहे हैं, हम कह रहे हैं बोर्ड का इवैल्यूएशन है, जो बोर्ड कह रहा है वही कर लेते हैं, अपना दिमाग क्यों लगाए। तो तुम लोग क्या बनाने वाले हो, ये वाला पार्ट ठीक है, इसको बना लो और ऊपर तुम्हें आंसर दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो अब जरा एक बार। ये बताओ मुझे तुम, टीपी क्वांटिटी में आता है, टीपी क्वांटिटी में आता है क्या, टीपी क्वांटिटी में आता है क्या, को आती मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूं। देखो तुम्हें अगर प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन याद हो तो यहां दिया होता है, एक तो एल, एल बोले तो लेबर, एल दिया होता है, क्वांटिटी दी होती है और फिर क्या दी होती है, टीपी। ये तो दिया होता है, तो तुम मुझे बता दो टीपी कहां जाती है, फिर समझते हैं। एल, एल सिर्फ नॉर्मल रखा हुआ है, मेन क्या होता है, प्राइस, प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तभी आता है क्या, टीपी। ठीक है, तो टीपी दिया हुआ है लाइक 10-20 जो भी दिया हुआ है टीपी, टीपी को डिवाइड करते हैं किससे, क्यू से, क्यू से डिवाइड करने से क्या आता है, एपी। तो सेम चीज हो गई ना, अंतर क्या आ रहा बताओ, अंतर क्या रहा, सिर्फ ये है कि हाँ ये एल से इफेक्टेड होता है, लेबर से इफेक्टेड होता है बस, बाकी टीपी और दोनों में सब कुछ सेम चलता है। लेकिन हमने कहा रेवेन्यू चैप्टर आता ही नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इस पर फोकस करते ही नहीं है। तो इससे तुम पहला पॉइंट क्या बनाओगे भाई, जब ए आर बढ़ रहा था उस समय पर एम आर इज ग्रेटर देन ए आर अप टू पॉइंट, अप टू पॉइंट ए, हाँ भाई अप टू पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट क्या आया, एट पॉइंट ए क्या था, ए आर बराबर, सॉरी एम आर बराबर क्या था, ए आर। और तीसरा तुम्हें क्या समझाना है इसके अंदर, आफ्टर पॉइंट ए ए आर, ए आर भी गिर रहा है एम आर भी गिर रहा है बट ए आर इज ग्रेटर देन, क्लियर है। अपनी लैंग्वेज बनानी है तुम्हें, यहां से दिख रहा मैं कुछ दिखा रहा, हाँ बस 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 तुम समझ गए, कौन समझ लिख दोगे कि एम आर जब नेगेटिव हो जाती है, दो पॉइंट और बन गए, एम आर दो पॉइंट और बन गए, जब एम आर क्या है
जब एम आर नेगेटिव है तब भी ए आर स्टिल फॉलिंग बट पॉजिटिव, बट पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, क्यों नहीं ये बताना पड़ेगा? जीरो नहीं है कोई, जीरो तब होगी जब शटडाउन पॉइंट आएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी से तभी वो जीरो होगी, उससे पहले जीरो नहीं होगी। क्लियर है? हाँ, वेयर एम, अरे एक टाइम के लिए जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंट तो होंगे ना, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हुआ, ईच अदर कॉन्ट्री, वो मतलब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो कहीं तो बराबर भी तो होंगे ना। व्हेन एआर इज मैक्सिमम, उस समय पर एमआर ने उसको इंटरसेक्ट किया तो उस पॉइंट पे दोनों बराबर थे ना। लिख सकते हो तुम्हारी लैंग्वेज, चार नंबर लिखना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ प्रॉपर लिखना चाहिए। और जो लोग नाखूनों में माल दबा के लेकर आए और खाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहां पर खाना ना खाएं, घर जाए खाना खाएं, नाखूनों में खाना डाल के लाइए, वो खा रही है, निकाल निकाल के 8 बजे खाना भूल रही है। नहीं पॉइंट्स पे लिखो, मतलब सीधा पॉइंट, पॉइंट का मतलब ये बोल रहा हूँ, ये नहीं कि सीधा ये लिख दो, ये इसे कहते हैं पॉइंट, इसे तुम उठा के लिख दिया सीधे सीधे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलो उसको ना, कि व्हेन एआर इज राइजिंग एमआर इज ग्रेटर देन, बोथ आर राइजिंग बट एमआर इज ग्रेटर देन एआर, लैंग्वेज बना के पॉइंट रखना तो अच्छी बात नहीं, लैंग्वेज बना के पॉइंट रखो भाई। हाँ हाँ, ये वाला पॉइंट भी बना लेना आंसर में, फॉर्मूला वाला भी। हाँ भाई, ए आर का फॉर्मूला, ए आर बराबर टी आर डिवाइडेड बाय क्यू, और एम आर का फॉर्मूला टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, कब अगर कंसेक्यूटिव है तो, और नॉन कंसेक्यूटिव है तो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, है ना, 5-6 पॉइंट बन जाएंगे, मस्त भर भर के नंबर मिल जाएंगे। अच्छा मैंने एक और चीज बोली ना, पता है मेन प्रॉब्लम क्या, हम लोग याद करने के चक्कर में ना दिमाग बहुत खराब कर लेते, याद नहीं करना, याद रखना कि मुझे एक्सप्लेन करना है तो उस चीज को इतनी प्रैक्टिस में लेकर आना है कि याद हो जाए। और संडे को हम लोग इस बार पक्का अपना मिशन स्टार्ट करेंगे, और तुम प्लीज आना बेटा, पता है मैं बताऊं क्या होता है कि तुम में से कोई भी नहीं आता है तो मुझे बड़ा डर सा होता है, मैंने गिनती के बच्चे लेके बैठे, उसमें बच्चे भाग जाते हैं, आते नहीं है प्रॉपर तरीके से, उससे क्या होता है अगर तुम रेगुलर आओगे तो एक एनर्जी लेवल बना रहता है कि नहीं यार मजा आ रहा है पढ़ने में। तुम जाओ गोल्डन टेम्पल जरूर देख के आना, मुझे लग रहा तुम शादी में आ रही हो, ऐसा सही है क्या ये? तो बर्थडे अमृतसर में क्या बनेगा? पापा वगैरह वहां, मतलब यहां पर कौन है फिर? अच्छा ओके, मैं तो हम लोगों को कुछ खिला के नहीं जाओगी, मतलब है हमें तुम अपनी बर्थडे पार्टी हमें नहीं दोगी, वहां जाके दोगी बर्थडे पार्टी? अच्छा वापस आके देगी फिर? अच्छा इसे बोल दिया होगा, इसने बता दिया होगा पहले ना, देखो किसी को दोना तो एक आदमी है हमारा फूडी, उससे तो पक्का तुम्हें कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा।
नहीं, कैसा साथ में फॉर्मूला? क्या चाहते हो तुम? साथ में फॉर्मूला क्या बनाना है बताओ? क्रिएटिव लड़का है, क्रिएटिव। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हो गया तुम्हारा तो 15 मिनट पहले हो गया है। देख रहे पड़ोसन, जरा देखना पड़ा कुछ लिखा है इसने जबरदस्ती, ये बोल भी हो गया, हो गया। पॉइंट लिखे भी हैं, है? हाँ हाँ, पॉइंट ए, हाँ पॉइंट ए इज द पॉइंट वेयर एम आर इज इक्वल टू ए आर। अब देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो उसको ऐसे भी लेके आ सकते हो, ये सिंपल तरीका था समझाने का, ऐसे भी ला सकते हो, यहां से यहां तक पहुंचे तो ये बढ़ रहा था, ये मैक्सिमम पे था तो ये बढ़ रहा था, ये गिर रहा था तो ये बढ़ रहा था, जैसा कि हमने टीपी में किया था, वहां भी सेम था, टीपी जीरो नहीं होती शट डाउन, यहां भी सेम जीरो नहीं होती शट डाउन, इसीलिए बोर्ड इसको लेता नहीं एग्जाम में, क्योंकि जब हमने प्रोडक्शन ले लिया तो दोबारा क्यों लेना है इसको। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया वाई ए आर कर्व, हाँ भाई कैसा है ये, कॉनकेव फ्रॉम अबव, वहां क्या था टीपी एपी जो थे, जो भी थे, अभी टी वो क्या नाम है, जो वहां टीपी था, ऐसे यहां पर आ गया टी आर, बताओ ऐसा क्यों होता है, तो रीजन क्या होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना, तो सेम यहां पर भी, अरे सुनो इधर सुनो, यहां भी सेम क्या लगता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही लगता है यहां पर भी। नहीं नहीं, अरे तुम्हें कुछ आना ही नहीं है, तुम्हें लिखना ही नहीं है, पूछते नहीं है वो इस तरह की बातें बदतमीजी। उसी को लास्ट में एक लाइन में लिख दो, इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसी पे, इसमें एक और काम करना, जब भी लिखोगे इसके बारे में तो ऊपर मेंशन कर दो कि इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर आगे ही इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और एक चीज बताऊं, हम क्यों एक्सप्लेन करते हैं पता है, जिससे कि टीचर को ये लगे इसको आता है तो उसका बेनिफिट हमें ये मिले कि फिर वो आगे लुटाए नंबर, लो बेटा जितने बच्चे उतने लो। जैसे कि वो क्या नाम है, स्विगी और जोमेटो वाले ने इसको लग लगे खाना खिलाया, खा बेटा खा, तू कैसे जैसे खाना है खा, है और तुम्हारे पास एक और तरीका है, तुम उसको एक और तरीके से खिला सकती हो। नहीं 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 नहीं, उस वो तुम्हें कोड देगा अपना, तुम कोड डालो और तुम नहीं नहीं, तुम जाके अमृतसर में खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्विगी में से कोड डाल देना, 100 रुपए इसको मिल जाएंगे, ये भी खा लेगा कुछ ना कुछ, है सही होते ना। हो गया। अब देखो पता है प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं हर क्वेश्चन के ऊपर, कर रहे होते, लिख रहे होते तुम लोग, तो क्या ये 75 में कुछ हुआ ही नहीं 45 मिनट में, मैं क्या बताऊं तुम्हें, है? अब यहां पर कम से कम तुम लोग 7 भी आओ तो 1 घंटा लगता है कि हाँ चलो 1 घंटा हो गया। और मैं रियली कह रहा हूं कम पढ़कर अच्छे नंबर कैसे लाने हैं ये, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा तब भी ना, तुम जी से कह रहा हूं, तुम तो आती भी नहीं हो, करिए मुझे एक चीज बताओ ना, तुम बिजनेस में आए ना इको में आई पूरे महीने भर, तो तुमने क्या किया, अब तुम्हारे नंबर क्या, सुनो पहले तुम्हारे 100% आने वाले हैं क्या अभी, वो तो तुमने बिजनेस में तुमने पूरा फाइनेंशियल मैनेज मार्केट किया पूरा तुमने, उसके बाद से तुम कितने आई हो, चलो कोई बात नहीं, नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
आ जाओ भैया, अब देखो यहां से मालूम चलता है कि बोर्ड इसको इस चैप्टर को कितनी वैल्यू देता है। हाँ भाई, 2015-16 में एक नंबर का क्वेश्चन आया, अ फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ गिवन प्राइस। मतलब क्या हो गया, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या, क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। द फर्म मार्जिनल रेवेन्यू विल बी, वो कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, तो ऑब्वियसली मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ भाई, किस केस में, फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी, कुछ भी बेच सकती है एट अ गिवन प्राइस, एक प्राइस पर कुछ भी बेचेगी, तो ऐसे में उसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, उसका एम आर कितना होगा। अब एक चीज बताओ, तुम्हें कुछ हिंट दिए, नहीं सुनो तो पहले कुछ हिंट दिए, उसने क्या बोला है, इफ अ फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट, एक ही प्राइस पर कितनी भी क्वांटिटी बेचेगी, तो ऐसे में प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू ए आर विच इज ऑलवेज इक्वल टू एम आर। फिर समझ लो क्या बोला उसने, प्राइस गिवन है, एक प्राइस पर ही कितना भी बेचो, तो ये तो होता है, ये रहा प्राइस, एक प्राइस जितना बेचो, Q1, Q2, Q3, Q4 कितना भी बेचो, इसी को बोलते हैं कितना भी बेचो, एक प्राइस पर कितना भी बेचो, बताओ क्या दिख रहा है, तो ये हमें इक्वल्स टू ए आर दिख रहा है, राइट। हाँ भाई, 2016-17 में इससे कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आया, फिर सैंपल पेपर 2016-17 में 17-18 में बोर्ड में कहा था कि एक नंबर क्वेश्चन फिर से आ सकता है, क्या, इन एन इम्परफेक्ट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इफ द टोटल रेवेन्यू, मतलब टी आर इज मैक्सिमम, टी आर इज मैक्सिमम ये वाला पॉइंट, एम आर विल बी, क्या बात है, ये लड़का तो चीता निकला, तो आंसर इज व्हाट, जीरो। तो ऐसे ही बदतमीजी भरे क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का, जीरो जीरो नंबर का। हाँ भाई, देख लो 17-18 में जीरो जीरो नंबर के आए हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है इसमें से कुछ आए। हाँ हाँ, चैप्टर हो गया, चैप्टर हो गया, ठीक है साहब, तुमने मुझे थैंक यू बोला, थैंक यू।